हाय, दिस इज तुषार। नाउ द वर्ड ऑफ द डे इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? जो भी चीज लॉफुली करेक्ट है ना, वो लेजिटिमेट है। मीन्स कानूनी तौर पे अगर कोई चीज सही है, उस चीज को हम लेजिटिमेट कहते हैं। बट इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर कोई चीज आपके प्रिंसिपल्स, अगर आपके सिद्धांतों के मुताबिक भी सही है, कि जैसा आप मानते हो और हमारे को सिद्धांत रहते हैं कि यार ये चीज हमारे लिए गलत है, सही है, अगर उस तरीके से भी अगर कोई चीज आपके लिए सही है, तो वो लेजिटिमेट कहलाती है। ये एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज यू कैन से वर्ब, दोनों तरीके से यूज करते हैं। टू लेजिटिमेट मतलब किसी चीज को लॉफुली करेक्ट करना, और किसी चीज के नाम के आगे अगर हम इसे लगा देंगे तो वो चीज लॉफुली करेक्ट हो जाएगी। अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे तो लेजिटिमेट एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस, मीन्स आपको पता होगा कि हमारे यहाँ अगर कंट्री में अगर एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ तरीके बने हुए हैं कि आप इसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हो। कुछ तरीके के लिए हमारे लिए मना है कि इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि वो लेजिटिमेट नहीं है। मीन्स वो हमारी जो जनता है उनके लिए सही नहीं रहेंगे, वो इलेजिटिमेट रहेंगे। सिमिलरली तो यहाँ पे क्या होगा, लेजिटिमेट एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस। अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, जैसे अलेजिटिमेट गवर्नमेंट, जैसे जो लॉफुली करेक्ट, अगर हम तालिबान की बात करें, सो आई डोंट वॉन्ट टू से समथिंग बट यू कैन अंडरस्टैंड, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे को लिखा हुआ है लेजिटिमेट क्वेश्चन, मीन्स ये बिल्कुल एक सही क्वेश्चन है। मतलब हम बोलते हैं ना ये वैध है, अगर हम बोलते हैं ना, मीन्स हिंदी के अंदर वैध यूज किया था कि हाँ ये चीज वैध है, मतलब ये लीगल है। सिमिलरली ये चीज लेजिटिमेट है, ये बिल्कुल एक सही क्वेश्चन, लॉफुली करेक्ट है, ऐसा पूछा जा सकता है, लेजिटिमेट क्वेश्चन है, ठीक है। लेजिटिमेट मेडिकल टर्म्स, ये लेजिटिमेट मेडिकल टर्म्स है। लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट है, जो भी चीज आपके लिए लॉफुली करेक्ट है, प्रिंसिपल के तौर पर सही है, हर वो चीज लेजिटिमेट कहलाएगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच। लव एंड रिस्पेक्ट।